वगैरह पे लेके गए हो आज तक? मैं हर जगह इसी से घूमने जाता हूँ। तो लास्ट ईयर में मनाली गया था, तो केलोंग तक गया था फॉर दैट फैक्ट। अच्छा, अभी मैं 14th और 15th के आसपास ही वापस आया हूँ लद्दाख से होके। तो मैंने पूरा सर्किट किया था, दिल्ली, मनाली, सरचू, लेह, कश्मीर और फिर वापस दिल्ली। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होगे। तो मैं प्रतीक गाजियाबादी भाई लेके आ गया हूँ आपके लिए मॉडिफाइड इग्निस। तो भाई देख सकते हो भाई इसके अंदर कितने बड़े बड़े अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। और मिलवाते हैं सबसे पहले इनके ओनर से। आ जाइए भैया, कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। एक बार भैया अपने एक बार इंट्रोडक्शन दे दो यार। वो यार, आई एम फ्रॉम साउथ वेस्ट दिल्ली। मेरा नाम शेखर लोहिया है और गाड़ी मेरी है 2018 डेल्टा मॉडल है। ठीक है। और काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस की हुई हैं। ठीक है आपको। अच्छा, स्टार्टिंग से हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन में हमने क्या क्या करा है। और मैं देख सकता हूँ ये आपके 2018 वाला इग्निस का मॉडल है, पर ये लग नहीं रही है। तो ये क्या आपने फेसलिफ्ट वगैरह करवाई है? हाँ जी, ये फेसलिफ्टेड है। फेसलिफ्टेड है, तो अपने फेसलिफ्ट वगैरह आपने कहाँ से करवाया, क्या इसका खर्चा आया और कैसे कैसे इसमें काम हुआ है? फेसलिफ्ट मतलब पहले जो इसके रियर बम्पर्स थे वो काफ़ी गंदे से लगते थे, प्लास्टिक की क्लैडिंग वगैरह आती थी उसमें। ठीक है, तो वो मतलब गाड़ी को सूट नहीं करता था काफ़ी। तो उसके बाद 21-22 वाला आएगा से मॉडल आया था, तो इंश्योरेंस में मैंने सारा प्रोसेस कराया। इंश्योरेंस में जो डिफरेंस अमाउंट आया था दोनों बम्पर्स का और ग्रिल्स का, वो मैंने पे करके और फिर ये बम्पर्स दोनों अपग्रेड कराए हैं फ्रंट के। ठीक है, तो यार हम देखते हैं कि इग्निस जो गाड़ी है यार, ले देखे शायद दिल्ली के अंदर एक या दो ही मॉडिफाइड हैं, है ना। ज़्यादा हम देखते हैं कि इग्निस को हर कोई मॉडिफाई नहीं करवाता, तो आपके दिमाग मतलब कैसे आया कि हम इग्निस को मॉडिफाई करवाएंगे? क्योंकि जो मैं देखता हूँ यार, इस गाड़ी की जो लुक्स है मॉडिफिकेशन के बाद यार काफ़ी अच्छी निकल के आती है। अगर आप इसके भाई साइड में से आप फेंडर वगैरह देखो तो भाई देख सकते हो आपके कितने वाइड बॉडी आपको कंपनी से ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आप इसके अंदर भाई इतने बढ़िया से एलॉय व्हील्स लगा दो तो भाई चार चांद लग जाते हैं। तो भैया कैसे आपकी प्लानिंग हुई कि इग्निस को बाय करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे? प्लानिंग वगैरह यार प्रतीक ऐसी कुछ थी नहीं, बस गाड़ी ले ली थी तो मतलब उस टाइम पे यही अवेलेबल थी। स्विफ्ट में भी वेटिंग थी, पोलो महंगी थी और इटियोस लीवर डिसकंटिन्यू हो गई थी, तीन ऑप्शंस थे मेरे पास। तो फिर स्विफ्ट की वेटिंग के चक्कर में मैं रुका नहीं, ये गाड़ी मेरे को 15 दिन में मिल गई थी, मैंने ले ली। मैंने डेली यूज़ के लिए ली थी, मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं इसको इतना एक्सटेंसिवली मॉडिफाई करूँगा, ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं था। ठीक है, लेने के बाद मतलब 6-8 महीने मैंने नॉर्मल चलाई, खाली ऑडियो सेटअप कराया था और उसके बाद 16 इंच के मैंने रोटेफॉर्म वाले व्हील्स डाले थे, तो वहाँ से फिर मतलब शुरू हो गया। वहाँ से शुरुआत हुई इस गाड़ी की, ना? अच्छी लग रही है, मॉडिफाई अच्छी होगी। वहाँ से फिर उसके बाद एग्जॉस्ट वगैरह कराया, फिर 3-4 बार एलॉय और चेंज कराए, अभी ये 5वां सेट है एलॉय का। अच्छा, अभी इससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है, मैं आगे जाके दोबारा 17 इंच लगाऊँ। 17 इंच मैं एक बार 16 इंच लगा चुका हूँ और दो बार मैं 15 इंच के स्टील रिम लगा चुका हूँ और 2 बार में 17 इंच लगा चुका हूँ और फिर अभी ये वाले करंट 15 इंच है, 1.25 साइज है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक बार इसके फ्रंट में। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो इसका हुड है, बोनेट है बोलते हैं, तो आपने इसको कार्बन फाइबर में रैप करवा रखा है ना। फ्रंट में भैया आपने क्या क्या चेंजेस वगैरह करवा रखे हैं? जैसे हम देख सकते हैं आपने फेसलिफ्ट करवाया है, हेडलाइट के अंदर अपना कोई काम वगैरह हुआ है? हेडलाइट खाली डी क्रोम की है और उसमें डीमन आईज लगी हुई है। ठीक है, तो मतलब डीमन आई अपनी कितना वैसे देख सकते हैं, अगर कोई खर्चा वगैरह इसमें कितना कुछ अपना अप्रोक्स आ जाता है? अगर नॉर्मली 2000 के आसपास की डीमन आई है, बाकी आपका लाइट खोलने बंद करने के चार्जेस होते हैं 1500 वगैरह के आसपास और पेंट वगैरह का बेसिकली। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ यार आपको ज़्यादा क्रोम वगैरह वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है, है ना। मैं देख रहा हूँ पूरी गाड़ी में सिर्फ आपको जो क्रोम दिखेगा वो आपको अलॉय व्हील्स के ऊपर दिखेगा, क्योंकि बाद में डलवाए हैं मैंने इसलिए वो क्रोम है, नहीं तो पहले वाले जो व्हील्स थे 17 इंचेस वो बिल्कुल जेट ब्लैक थे, वो भी पूरे जेट ब्लैक थे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं भैया ने अपने यहाँ फॉग लैंप में प्रोजेक्टर लगवा रखा है, तो प्रोजेक्टर अपने कौन से रहने वाले हैं इसमें? एलईडी है ये, M617 जो इनबिल्ट एलईडी आती है ना, पीछे से क्लोज्ड रहता है पूरा, वो वाली है, वो वाली है। ठीक है, साइड प्रोफाइल में भाई जैसे ही हम आते हैं इस गाड़ी के, तो अब लुक्स में आप देख सकते हो यार लुक्स के बहुत खतरनाक निकल के आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले भाई बात करते हैं अलॉय व्हील की, तो आप यहाँ देख सकते हो X2 के भैया ने अपने अलॉय व्हील लगा रखे हैं और जो उसका लुक है यार ये काफ़ी एक यूनिक है, क्योंकि हमें ऐसे अलॉय व्हील्स नॉर्मल किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो अलॉय व्हील्स का क्या लगभग खर्चा आ जाता है? ये फ्रैंकली स्पीकिंग लोग तो बहुत महंगे बताते हैं 15 इंच के व्हील्स को यार, तो मेरे तो इतने महंगे हैं नहीं भाई,
मेरे 27,000-28,000 के व्हील्स आए थे X2 से, मर्क्यूरी टायर से, और आई गेस 4,500 के आसपास का एक टायर आया था मेरा, कम्फोर्सर का टायर है मेरा। अच्छा, तो दैट राउंड्स अप टू समवेयर अराउंड 48,000-49,000 टायर मिला के। भैया ने इसको पूरा अलॉय व्हील को मॉडिफाई कर रखा है भाई, अच्छे खासे बड़े अलॉय व्हील लगाए हैं। तो भैया मॉडिफाई करवाने के बाद आप इसको कहीं आज तक टूर वगैरह पे लेके गए हो आज तक? मैं हर जगह इसी से घूमने जाता हूँ। तो लास्ट ईयर में मनाली गया था, तो केलोंग तक गया था फॉर दैट फैक्ट। अच्छा, अभी मैं 14th और 15th के आसपास ही वापस आया हूँ लद्दाख से होके। तो मैंने पूरा सर्किट किया था, दिल्ली मनाली सरचू लेह कश्मीर और फिर वापस दिल्ली। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब सारा आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है ना, ये हम कह सकते हैं? कुछ भी दिक्कत नहीं है, टायर्स वगैरह में भी कुछ भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट मेरे को वापस दिल्ली आके पता चला था कि मेरे पास गाड़ी में जैक भी नहीं है। ओ तेरी, मैं बिना जैक के उठ के चला गया था ऐसे ही, मेरे पास जैक भी नहीं था गाड़ी में, भूल गया था। भूल गए, ठीक है। अब चलते भाई बस गाड़ी के हम रेयर प्रोफाइल पे आते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं ना यार, जो इसकी साइड प्रोफाइल से जो लुक्स आती है ना, ये काफ़ी भाई किलर लुक्स रहती हैं इस गाड़ी की। आप ये देख सकते हो, साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं, टायर हल्का फुल्का अपना बाहर आप देख सकते हो। यहीं से देखो, ये हल्का फुल्का नहीं है तो यार बहुत बार आप देख लो भाई, 2 उंगली से ज़्यादा का गैप है। लो 3 उंगली में अपना भाई पूरा कवर हो रहा है। अब हम बात करते हैं भाई रेयर प्रोफाइल की। तो रेयर प्रोफाइल में भैया ने यहाँ से भी भाई अपना जो लोगो है डी क्रोम कर रखा है। भैया हम इसमें देख रहे हैं आपने इसका रेयर बम्पर भी अपना चेंज करवा दिया है। दोनों बम्पर और फ्रंट ग्रिल चेंज हुई थी। ठीक है, और इसमें हम देख सकते हैं आपने रूफ को भी अपना कार्बन फाइबर रैप करवाया है। हाँ। शार्क फिन अपना एंटीना लगाया है आपने इसमें। ये जो अपना स्पॉइलर है इसमें जो देख सकते हैं, ये कौन सा अपना स्पॉइलर रहने वाला है? बैटमैन स्पॉइलर है, मतलब फाइबर से ही बना हुआ है, हैंडमेड है। ठीक है, जो रेडीमेड आते हैं वो पोलो वगैरह के लिए आते हैं, मेरी गाड़ी के लिए था नहीं। तो ये शौकीन है, फरीदाबाद में शौकीन कस्टम्स के नाम से है, तो शौकीन भाई ने बनाया है। ठीक है, अब सबसे मेन थिंग इग्निस के अंदर जो लुक इसमें रेयर से आ रही है भाई, इसमें डुअल टिप एग्जॉस्ट देखने को मिल रहे हैं। क्या दोनों अपने वर्किंग है? ये सिंगल वर्किंग है, उधर वाला जो राइट टिप है वो वर्किंग है, लेफ्ट वाला टिप डमी है। अच्छा, आपने एग्जॉस्ट का काम कहाँ से करवाया है और क्या इसमें अपना काम वगैरह हो रखा है एग्जॉस्ट वगैरह का रिलेटेड? साइलेंसर हाउस से कराया है, गुरजोत ने काम किया है इस पर। तो मतलब क्रैकलिंग वाला एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें जो मफलर है, और बीच में अभी मैंने रेजोनेटर लगा रखा है क्योंकि मैं घूमने गया था, तो ऑब्वियसली कॉप ट्रबल एंड खुद का भी एक मतलब डिस्टरबेंस होता है इतने लंबे रोड ट्रिप पे, तो मैंने रेजोनेटर लगा लिया था। रेजोनेटर लगवा लिया था, वो अभी हटवाना है मतलब। ठीक है, तो यार सबसे पहले जब हम एग्जॉस्ट की बात कर ही रहे हैं तो एक बार यार एग्जॉस्ट की आवाज़ सुन लेते हैं। बिल्कुल, बारी है अब अपने एग्जॉस्ट की, तो वो सुना देते हैं आपको। स्टील साउंड है, ठीक है। इसकी जो आवाज आप देख सकते हो काफी बेसी है इसकी आवाज, और ये सुनने में यार ये जो साउंड्स होती हैं ये काफी अच्छी लगती हैं कानों को ना, मतलब सुकून देती है। जो आवाज होती है ये फड़फड़ करने वाली यार, ये काफी पब्लिक को भी परेशान करती है, और जब लॉन्ग ड्राइव से जाते हैं खुद भी परेशान हो जाता है बंदा। पर ये जो आवाज आ रही है, जो ये जो काफी बेसी है, ये काफी भैया सुकून देने वाली है। रेजोनेटर की वजह से इतनी स्मूथ आवाज आ रही है, नहीं तो इसकी काफी क्रैकलिंग आवाज है, क्रैकल भी मारती है गाड़ी अपने आप। मतलब 2,500 पे जाके आप एक्सेलरेटर छोड़ दो तो क्रैकल करने लगती है कुछ। ठीक है, अब चलते हैं यार गाड़ी के अंदर, और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा भैया का अपने यूट्यूब चैनल है यार, उसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं म्यूजिक सिस्टम में भैया ने क्या क्या काम करवा रखा है, और फिर गाने भी तो सुनाने हैं तुम्हें, आ जाओ। तो सबसे पहले भाई बैठते हैं गाड़ी के अंदर, और भैया ने ये अपना इंटीरियर आपने चेंज करवाया भैया, सीट्स कवर वगैरह? हाँ, ये चॉकलेट ब्राउन देखने को नॉर्मली पहले लगाए हैं, काफी पहले लगाए हैं, पर ये जो जो लुक आ रहा है इसका, ये काफी अच्छा है। आपने इसका मैचिंग काफी अपनी अच्छी कर रखी है। आ जाओ जी, ये वाइट इंटीरियर कंपनी से ऐसे आता था वाइट इंटीरियर इसमें? हाँ, ये बाई स्टॉक है। बाई स्टॉक है ना, ठीक है। सबसे पहले यार यहाँ पे भाई अपना स्पार्को का भाई गियर नॉब मिल जाता है। ये भैया प्रैक्टिकल है, लोग बोलते हैं कि ये इससे काफी अपनी पकड़ अच्छी बन जाती है। इसमें कुछ है ऐसा मतलब पकड़ वगैरह का? तो सच कुछ भी नहीं है क्योंकि ये प्लेन लोह है, तो धूप में गाड़ी खड़ी कर दोगे हाँ। तो ये बहुत गर्म हो जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा आपसे वो, और ठंड में अगर खड़ी कर दोगे तो बहुत ठंडा हो जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है,
तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस अच्छा लग रहा था तो लगवा लिया। मतलब रेसिंग उसके वाइब के लिए है ना। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम में हमने क्या क्या काम करवा रखा है भैया? म्यूजिक सिस्टम में यार ये तो आप देख रहे हो स्टॉक ही है, इसमें तो मैंने कुछ चेंज कराया। ठीक है, पहले इसमें एंड्रॉइड स्क्रीन लगी थी बट तो बेकार सी लग रही थी, हटा दी मैंने। और अभी MTX के 4 मिड लगे हुए हैं गाड़ी में। ठीक है, और एक MTX का वूफर लगा हुआ है 350 वॉट RMS का है, छोटा ही वूफर है वो। अभी प्रतीक भाई को पता है पेमेंट करके आए हैं तो अपग्रेड होने वाला है वो जल्दी। हाँ। ठीक है, और बस यही है। बाकी एक दो चार चैनल के एम्प है फॉर दैट फैक्ट, जो वूफर है वो भी 4 चैनल के एम्प से ही रन हो रहा है तो वो चेंज करना है अभी। तो मैं आपको भाई ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें भैया के साथ आपकी फैमिली भी मेरे साथ ट्रैवल करती है ना। हाँ, तो इनका क्या सीन है कि जो अपनी गाड़ी है ना ये मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर रखी, ये नहीं कि काफी ज्यादा हाईफाई कर रखी हो, पर जब रोड पे निकलती है और जो एक कानों को सुकून चाहिए होता है वो इसके म्यूजिक से आपको भाई पूरा आता है, क्योंकि भाई फैमिली भी बैठती है तो उसके हिसाब से भी आपको चाहिए होता है ना। मतलब मैंने बाहर से ऐसा कुछ वो नहीं करा रखा कि पिलर्स पे भी स्पीकर है, दरवाजे में भी स्पीकर है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज होती है। इतना मेरे को कुछ ज्यादा शौक है नहीं, 4 mids हैं मोर देन इनफ है, बहुत लाउड है मेरे लिए, क्योंकि भाई MTX के हैं। मेन बात तो ये है, अपना क्वालिटी वाला सामान लगा हुआ है। और आप सुनाते हैं भाई तुम्हें पूरा म्यूजिक, आ जाओ भाई म्यूजिक की तो भाई सुन लो, स्टार्ट कर दो भैया। आवाज देख लो, अब आपको एक बार बूट दिखा देते हैं भाई इसकी। MTX भाई नॉर्मल है, तो यार ये जो भैया ने अपना काम करवा रखा है इसमें हम देख रहे हैं म्यूजिक की भाई क्वालिटी एकदम अच्छी है ना, ऐसा है कि भाई कहीं गाना की आवाज कहीं फट रही हो, एकदम क्लियर टू क्लियर, और बेस जो जहां आनी चाहिए वो परफेक्ट है ना, ये हम इसमें हम देख रहे हैं, जो कि भाई बढ़िया है ना। आपने ज़्यादा एकदम हाई फाई ना एकदम कम, मिड रेंज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया आपने काम करवाया है। तो भाई अब कर लेते हैं एक बार भैया से बात कि टोटल में कितना खर्चा आ गया है गाड़ी को मॉडिफाई करवाने में। तो भैया से बात कर लेते हैं यार, भैया इसमें हमने नॉर्मली अपना मतलब टोटल कितना खर्चा अप्रोक्स आ गया होगा पूरा गाड़ी को मॉडिफाई करने में? तो प्रतीक अगर ओवरऑल अमाउंट की बात करें जो कि अभी तक मैं लगा चुका हूँ, मतलब एलॉयज भी जो मैंने मल्टीपल टाइम्स चेंज किए हैं, म्यूज़िक सेटअप भी मैं 2-3 बार चेंज कर चुका हूँ, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो अगर वैसे बात करोगे तो 2.5 lakhs प्लस है। ठीक है, और अभी अगर करंट लोडिंग्स जो हैं गाड़ी में वो 1,20,000 1,30,000 के आसपास की हैं। ठीक है, तो यार कैसी लगी आपको पूरी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना भैया, एक बार अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी बता दो। जो मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है वही, दैट इज सेम माय इंस्टाग्राम आईडी lonewolf1118। ठीक है, साइड में भाई आपको लिखा मिल गया होगा, और वीडियो करते यहीं पे एंड। वीडियो एंड करने से पहले भैया हमेशा बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम भैया, डू सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।